गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2। तो आज हम यहाँ आए हुए हैं हनुमत धाम। हनुमत धाम क्यों आए हैं, ये हम लोगों को आज न्यू ईयर स्पेशल ब्लॉग की शूटिंग करनी है। न्यू ईयर स्पेशल के आपने अभी आप सोच रहे हैं कि हमने पहला ब्लॉग तो दिया ही था, फर्स्ट ब्लॉग हमने हनुमत धाम का, पर वो ब्लॉग हमने केवल और केवल 2 मिनट के अंदर ख़त्म कर दिया था। तो इसीलिए हम यहाँ आए हुए हैं न्यू ईयर स्पेशल ब्लॉग की पूरा कवर करने के लिए हनुमत धाम को। तो आपके पीछे दिख रहा होगा हनुमान जी की मूर्ति, जो कि शाहजहाँपुर में अभी सबसे फेमस मंदिर माना जाता है हनुमत धाम। तो यहाँ का आज हम पूरा कवर करेंगे, A to Z आपको दिखाएंगे क्या क्या है यहाँ पे और कैसे एंट्री होती है, कहाँ दर्शन होते हैं, आरती टाइम, सारा कुछ अभी बताएंगे। तो सबसे पहले तो एंट्री के बता दें आपको, यहाँ पे 2 मेन गेट हैं। एक तो ये है एंट्री का, ये आपको दिख रहा है पूरा, उधर आगे निकलते हैं जाकर, ठीक है। ये दूसरा उस साइड से आता है, ये ऊपर से चढ़ के हम लोग नीचे वहाँ पे गेट बना हुआ है, तो उधर से एंट्री होती है, यानी टोटल 2 गेट हैं। तो यहाँ सबसे पहले तो ये 2 पुल हैं जो अभी आपको दिखाए थे, एक ये है पुल और एक ये सामने है। तो ये 2 जाने के रास्ते हैं, यहाँ से हम लोग चलते हैं सीधे, ये उधर उतरते हैं जाके, फिर उधर चप्पलें वगैरह उतरते हैं, फिर दर्शन के लिए आगे जाते हैं। बाकी वहाँ से तो अभी स्टार्ट किया था, वो आपको दिखाया था ये पूरा पुल है, उधर नीचे उतर के तो एंट्री के लिए जाते हैं। जैसा कि हमने आपको दिखाया था, यहाँ पे 2 गेट हैं, तो ये है पहला गेट। अब इस पुल से चलते हैं आगे की ओर। तो अभी आपने जैसे ही कुछ देखे हमारे सिनेमैटिक शॉट, तो अब आपको हम पूरा दिखाते हैं डिटेल से। तो अभी हम खड़े हैं जिस पुल पे, आपको उसका पूरा दिखाते हैं। ये कुछ है पुल और ये ऊपर से हम चढ़ के ऐसे जाते हैं और नीचे एंट्री है, फिर अब चलते हैं आगे। तो ये आ चुका है एंट्री, यहाँ से होती है, ये पुल से उतर रहे हैं गोलू भैया। तो अब चलते हैं, सबसे पहले तो यहाँ चप्पल वगैरह उतारनी पड़ेंगी, फिर अंदर जा पाएंगे। मंदिर की रास्ता इधर से सीढ़ियों से ऊपर जाना है, काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, तब पहुँचेंगे हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। तो अभी हम शूज उतार के तो आ गए हैं और अब आ रहे होंगे कुशाग भैया भी, शूज उतारने गए हुए हैं। तो ये आ रहे हैं हमारे कुशाग भैया भी, शूज उतारिए। ठंड बहुत है भाई सही में आज। तो अभी चलते हैं मंदिर के ऊपर, दर्शन करते हैं, आप लोग को भी दिखाते हैं पूरा दर्शन करते हुए। तो ये है खन्नौत रिवर यहाँ पे, जो कि हनुमत धाम से होके जाती है। तो चलते हैं अब ऊपर हनुमान जी के दर्शन के लिए। तो गाइस दर्शन हो चुके हैं यहाँ पर, बहुत बढ़िया। आज भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज दिन है थर्सडे, तो यहाँ पे भीड़ वैसे तो ट्यूजडे को ज़्यादा रहती है। तो हम लोग आज आए ऐसे दिन पे कि भीड़ बिल्कुल ना मिले, आराम से हम लोग ब्लॉग कवर कर सकें और दर्शन वगैरह अच्छे से कर सकें। बाकी यहाँ भी यहाँ पंडित जी ने दिया है हम लोगों को, ये पेपर है, इस पर हनुमान चालीसा वगैरह सब लिखा हुआ है। तो अब चलते हैं आगे नीचे, नीचे एक मंदिर है उसमें दर्शन करते हैं, बाकी पूरा कवर करते हैं ब्लॉग में।
ये मंदिर करीब बस स्टैंड से सजापुर के और यहाँ तक की दूरी करीब 4 से 5 किलोमीटर की है। और ये मंदिर, इस मूर्ति की ऊंचाई है करीब 104 फीट ऊंची और ये भारत में तीसरी सबसे लंबी ऊंची मूर्ति है। तो आप लोग जैसे देख ही रहे होंगे, पूरा देखने में ही मतलब पूरी गर्दन ऊपर करनी पड़ती है ऐसे, तब पूरा ऊपर हनुमान जी के मुँह तक पहुँच पाते हैं देखने के लिए। तो ये काफ़ी फेमस मंदिर है यहाँ का, यहाँ पे काफी दूर दूर से भी लोग आते हैं, टूरिस्ट प्लेस बन चुका है ये पूरा। आप अभी देख रहे होंगे स्क्रीन पे, बैक और फ्रंट कैमरा दोनों, ये जो आज हमने नया मोबाइल मंगाया है OnePlus Nord 2, उसी में ये फीचर मिला है हम लोगों को। तो इसमें दोनों कैमरे एक साथ काम करते हैं। तो ये पीछे आपको पूरी दिख रही है हनुमान जी की मूर्ति, जिसके बारे में अभी गोलू भाई ने आपको बताया पूरा डिटेल से। तो अब चलते हैं आगे। तो गाइस हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, ये नदी इधर से जो जा रही है, यहाँ पे बैठ के ऐसा लगता है कि एकदम हरिद्वार जैसी फीलिंग आ रही है। वहाँ पे बैठते हैं, चैन लगी होती है उसके पास बैठते हैं। ये नीचे यहाँ पे पानी जा रहा है, बोलो भाई पानी छू के दिखाओ उतर के। भाई उतरे कल से यार, बहुत नीचा है, मुझे उतारो मुझे। इसके नीचे सीढ़ी नहीं भाई, नो रिस्क। बोलो भाई को डर लगा है, कोई ठंड है काफी ज्यादा, मोजे तक नहीं उतारेगा हम लोगों से। तो ये गोलू भैया पढ़ रहे हैं हनुमान चालीसा। तो अब चल रहे हैं आगे नीचे दर्शन के लिए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ कितना बढ़िया ये काटा गया है, किस हिसाब से आपको दिख रहा होगा राम लिखा हुआ है, ये इतना बढ़िया यहाँ आर्ट बनाई गई है इन सब पेड़ों से। तो अब चल रहे हैं मंदिर के अंदर। तो गाइस दर्शन हो चुके हैं बहुत बढ़िया नीचे भी मंदिर में, और मोबाइल चलाना तो अलाउ नहीं था इसलिए हम लोगों ने बस बाहर से ही वीडियो बना लिया है। तो अब चलते हैं आगे। और तो गाइस आप जैसे कि देख रहे होंगे इधर पूरा ये नया अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसको समझ लीजिए पूरा मिनी हरिद्वार की तरह बना दिया है। पूरे में सीढ़ी सीढ़ियाँ, बीच में लाइट भी लग रही है, पूरा आगे जाते काफ़ी लंबा बना हुआ है, आपको दिखाते हैं पूरा। हमने आपको दिखाया था कि वहाँ से स्टार्ट हो रही है ये बनना, और ये पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक उसके आगे तक एंड है। अभी वहाँ पे जाना मना है, तब भी अगर हम लोग देखते हैं, अगर जा सकते हैं तो जरूर जाएंगे वहाँ तक, आपको पूरा दिखाएंगे। पूरी कटिंग से कितना बढ़िया एकदम शेर को बनाया गया है, क्योंकि सामने दुर्गा जी का मंदिर है तो इसलिए शेर को यहाँ पे बनाया गया है दोनों साइड। ये एक इधर भी बना हुआ है, ये एक और ये दूसरा, मतलब कितनी बढ़िया यहाँ कटिंग की गई है, ये आप देख सकते हो दोनों। तो ये आप ऐसे देखेंगे तो पूरा लगेगा कि शेर बना हुआ है ये।
तो चलते हैं अब जल्दी से, शूज पहनते हैं फिर चलते हैं। तो ये पूरा अभी हमने आपको दिखाया था सामने से, ये पूरा बन रहा है आगे तक, बस यहीं पर अभी एंड है। बाकी जो खूब आगे तक भी ले जाएंगे बनाने के लिए। बाकी इधर से व्यू तो बहुत ही बढ़िया है एकदम नाइट का। ओके बोलो भाई, मज़ा आ रहा है? अरे भाई फुल इन्जॉयमेंट हुआ आज तो, और आप लोग को भी उम्मीद है बहुत बढ़िया लगा होगा ये ब्लॉग, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो भाई जैसा कि आपने देखा, हम लोग यहाँ आए थे दोपहर में, तो यहाँ थोड़े बहुत काम से हम लोग निपटा के फिर वापस आए, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पे नाइट्स के शॉट्स लेने थे। तो आप देख सकते हैं अभी हो गई है रात, हम लोग दोपहर से ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया था, आप जाके पूरा कवर कर पाए। तो गाइस जैसा कि आपने देखा, यही हनुमत धाम का पूरा हम लोगों ने ब्लॉग में कवर किया है डिटेल से। ऊपर आपको पूरी मूर्ति दिखाई जैसा गोलू भैया ने बताया थोड़ा डिटेल में, मतलब ये काफ़ी बढ़िया यहाँ पे मंदिर बना हुआ है। अगर यहाँ पर आके आप शांति से बैठ जाएँ एक ना पेड़ के नीचे या रिवर के पास, तो बहुत शांति सी महसूस होती है यहाँ पर, मतलब बहुत बढ़िया लगता है। बाकी अब यही है कि हनुमान जी का भी आशीर्वाद बना रहा है, हम लोग जल्द से जल्द चैनल मोनेटाइज हो। बाकी आप लोगों के प्यार के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है, तो आप लोग भी सपोर्ट करते रहें। और अभी तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जिससे कि आपको आने वाले ब्लॉग के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सकें। बाकी एक हम लोगों ने अभी ट्रिप भी ऑर्गेनाइज़ की है, 2 दिन की है, जो कि आपको अगले ब्लॉग में पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो आज साल का पहला दिन था, तो हम लोगों ने सोचा कि आज एक हनुमत धाम का फिर से हम लोग न्यू ईयर स्पेशल ब्लॉग दें। तो बस यही था आज का ब्लॉग।